गुरुवार को शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर प्रेस क्लब पर विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में प्रेस वार्ता कर सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि जाति धर्म व संप्रदाय से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दें और भारी मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं और एक मजबूत व सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने कहा, ये जो लोकल वाड़ी स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है उसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई रजनीश यादव लड़ रहे हैं। हम लोग उनके समर्थन में दावा भी किए हैं और आज आपके सामने जो निकाती हो रहे हैं, क्योंकि आज जो सारी चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाएगी इस नाते आज उसको हम लोग करके आते हैं। हमारे जो स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े जागरूक लोग होते हैं, जो दबाव में नहीं बल्कि अपने मन बना कर देते हैं। जैसे हम स्थानीय निकाय का जो निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन का आज अंतिम दिन है, इस नाते आज हम कह रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण जो कार्यकर्तागण हैं वो गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज तक राजनगंज तक स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को संपर्क कर रहे हैं और उनसे वोट के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता भाई रजनीश यादव खड़े हैं कि काम सरकारकर्ता होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको भेजा है और हम लोग सभी लोग मिल करके एक एक लोग इनके जीत के लिए आसान थे। ये देखिएगा तो एजेंसी पेश कर रहे हैं, आप 10-15 दिन से देख रहे हैं पंचायत पंचायतों की क्रिया चल ही रही है। हर ब्लॉक में हर क्षेत्र में जा जा करके हमारे कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि भाई रजनीश यादव भारी मतों से विजयी बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि हमारे जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद में जागरूक हैं और सशक्त हैं, इसमें सत्ता पक्ष गैर पक्ष की कोई बात नहीं है।